हेलो गाइस, आज मैं आपको ऐसे पांच घर दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आप बोलेंगे, यार ऐसे भी घर होते हैं क्या, आज ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे। हेलो व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है रोहित कुमार एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल वाइंस। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चल गुरु हो जाए शुरू। नंबर वन, द वर्ल्ड स्किनीस्ट पोलैंड। ये घर दो विशाल बिल्डिंगों के बीच बना हुआ है और ये घर सिर्फ 48 इंचेस वाइड है और इतनी पतली सी जगह में किचन, डाइनिंग रूम, बाथरूम विद शावर और एक बेडरूम है जो एक सिंगल बेड है। ये एक पॉलीकार्बन मटेरियल से बना हुआ है जिससे ये और भी सुंदर दिखता है। नंबर टू, ट्रांसपेरेंट हाउस ऑफ जापान। जापान का ये घर बहुत ही ज़्यादा रेयर है क्योंकि इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो कांच है। इसमें घर की दीवारों से लेकर हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट है सिवाय बाथरूम को छोड़कर। नंबर थ्री, वाटर जीनिस क्लिप हाउस ऑस्ट्रेलिया, जो कि देखने में सबसे ख़तरनाक है। ये एक प्री फैब्रिकेटेड हाउस है जिसके 5 स्टोरेज है और ये घर इंस्पायर्ड है एक शिप से, ताकि ये घर में ही बैठ कर मज़ा और लुत्फ उठा पाए कि ये एक जहाज में है। इस घर में एक ही दरवाज़ा है जो कि ऊपर की तरफ से है और ऊपर की तरफ एक गाड़ी को पार्क करने की भी जगह बनाई हुई है। नंबर चार, ओल्ड वाटर टावर हाउस बेल्जियम। ये एक 100 फीट की पानी वाली टंकी जिसे कन्वर्ट करके एक घर बना दिया गया है जिसमें दो कार को पार्क करने की जगह, दो बेडरूम, एक बड़ा सा किचन और एक मल्टीपर्पज़ रूम भी है। इस घर को बिल्कुल मॉडर्न तरीके से तैयार किया गया है और उसके बाहर का नज़ारा भी एकदम मस्त है। नंबर पाँच, दी बॉइंग 727 हाउस मिसिसिपी, जिसकी मालिक है जॉइन असूरी। जॉइन का घर आग लगने के वजह से नष्ट हो गया था और वो बेघर हो गए थे। उसका भाई एक ट्रैफिक कंट्रोलर था जिसने सलाह दी कि वो एक प्लेन खरीदे, वो भी असली वाला, जिसके बाद जॉइन ने $2,000 का एक प्लेन का ढांचा खरीद लिया और 25,000 खर्च हुआ उस प्लेन को घर में बदलने में। घर के अंदर 1300 स्क्वायर फीट की जगह है, 3 बेडरूम के साथ साथ 2 बाथरूम, एक फुल किचन एंड लिविंग रूम। मुझे तो इन सब पांचों में से ये बेस्ट लगा और आपको इसमें से सबसे अच्छा क्या लगा नीचे कमेंट दो। यार घर हो तो इन घरों जैसा एक घर हो और अगर देश हो तो हिंदुस्तान जैसा देश हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके बाय।